की बड़ी खबर भिंड से आ रही, जहां सांसद संध्या राय ने जिले को नई मेमू ट्रेन एवं रोड व ओवरब्रिज की सौगात दी। सांसद संध्या राय ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भिंड इटावा मेमू ट्रेन की मिली सौगात, अटेर रोड पर ओवरब्रिज की मिली स्वीकृति। भाजपा सांसद संध्या राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय माननीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। वहीं सांसद ने बताया कि विकास कार्यों के लिए मेरी पहली प्राथमिकता अमृतकाल में और मिलेगी सौगातें। भिंड को नगर निगम और मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिली है, जल्द इस योजना का लाभ भिंड जिले के लोगों को मिलेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मेरे साथ रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ समय पूर्व ओवरब्रिज के लिए निरीक्षण किया था। वो जनता की मांग काफी समय से चली आ रही थी, जिसके लिए केंद्र रेल मंत्रालय ने भिंड रेलवे स्टेशन फाटक ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसे जल्द ही जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी कर दिया जाएगा, ताकि आवागमन में जनता को कोई कठिनाई ना हो और अमृतकाल के लिए विशेष स्वागत है। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र के द्वारा विशेष ट्रेन के लिए अवगत कराया था, जिसमें उन्होंने ग्वालियर भिंड इटावा मेमो ट्रेन की स्वीकृति भी मिल गई और शीघ्र ही ये गाड़ी का स्टाप भिंड सोनी महगांव गोहद पर किया जाएगा, ताकि यात्री आसानी से अपनी यात्रा कर सके। भिंड से देवेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ कि आप सब समय समय पर मुझे भी आगाह करते रहते हैं और लगातार विकास के लिए लड़ते रहते हैं मुझसे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि आपने दो माह पूर्व देखा होगा, हमारे रेल विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी खुद मेरे साथ ट्रेन में बैठकर आए। ग्वालियर से लेकर भिंड तक उन्होंने पूरे लाइन को समझा कि यहाँ क्या क्या परेशानियाँ आई हैं। तो उन्होंने जो परेशानियों को समझा, गोहद, नोनेरा पुल, सोनी और हमारा जो अटेर का हमारा जो ओवर ब्रिज है, इन सब को लेकर गहन उन्होंने चिंता की। और तत्काल उन्होंने अटेर के पुल को उसी समय, मैंने कहा कि ये तो अभी इसी समय इसकी तैयारी करके भेजिए, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने अटेर पुल का पूरा प्रपोजल बनाकर भेजा और आज हमें अटेर पुल की स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द अटेर पुल का भी शुभारंभ होगा। दूसरी बड़ी सौगात नैनो ट्रेन, मेमू ट्रेन, जिसकी सौगात भिंड के लिए मिली है। मुझे लग रहा है ये भिंड नगर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी सौगात होगी, जो कि सुबह इटावा से चलकर 7:30 का उसको मेरे पास चार्ट आया है, 7:30 का टाइम, 7:30 बजे वहाँ से निकलकर कुछ शायद 8 बजे के करीब भिंड आएगी और वो लगभग सभी स्टेशनों पर रुकेगी और रुकते रुकाते फिर ग्वालियर पहुँचेगी, ग्वालियर से 5:30 बजे वापस चलेगी और 9:30 बजे वापस इटावा पहुँचेगी। अभी उसके 2 राउंड मेरे पास आए हैं और फिर जैसा होगा, अगर राउंड बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो वो भी बढ़ेंगे। तो सबसे चालू